है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। मिशन शक्ति के तहत कानपुर से दिव्यांशी कमल बीएनएसडी शिक्षा निकेतन बालिका विद्यालय की नवी क्लास की छात्रा ने जिला विद्यालय निरीक्षक बन कार्य किया। आइए देखें और सुने। आप अपना परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम हृदयांशी कमल है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं बीएनएसडी शिक्षा निकेतन बालिका विद्यालय से आई हूँ और यहाँ पर मैं अभी एक दिन की जिला विद्यालय निरीक्षक बन। कैसा लग रहा है विद्यालय के निरीक्षक बन के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव है और मुझे खुशी है कि मुझे ये सौभाग्य मिला है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, काफ़ी कुछ जानने को भी मिला कि कैसे यहाँ पर सारा काम होता है। यहाँ की कार्य प्रणाली आपने देखी तो क्या कुछ उसमें आपने इम्प्लीमेंटेशन अपनी तरफ से कुछ करे या क्या यहाँ के लोगों को सजेशन दिया? हाँ, मैंने कार्य प्रणाली देखी यहाँ की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी का भी काम मैंने सबसे पूछा, किसी का काम कुछ पेंडिंग नहीं था, कोई भी वर्क, और सब लोग ऑफिस में मतलब टाइम से आ गए थे। और साफ सफाई भी है यहाँ पर, लेकिन मैंने अभी सीढ़ियों पर ऊपर देखा थोड़ी सी गंदगी थी वहाँ पर, पान और गुटखा के निशान थे, तो उसके लिए मैंने एक निर्देश दिया है कि ऐसे कोई चीज़ ना हो और जो भी कूड़ा है वो अपना कूड़ेदान ले जाए। और जैसा कि अभी कोरोना महामारी चल रही है तो आप एक ऐसी पोस्ट पर आज एक दिन के लिए बैठे हैं, तो आप कानपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी कोरोना महामारी चल ही रही है, अभी पूरी तरह से ये ख़त्म नहीं हुई है, तो हम लोग को ऐसे बिल्कुल फ्री नहीं घूमना है कि अब तो ख़त्म हो गया। तो उसके लिए हम लोग को सब कुछ अभी करना है, अभी मास्क भी लगाना है, सैनिटाइजर का भी उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंस पे भी हम लोग को उसको भी मेंटेन करना है। यहाँ के रजिस्टर आपने चेक करे, उसमें तो कोई खामियां आपको नहीं दिखी? YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।